बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार जल्दी फिल्म गुड न्यूज में करीना कपूर खान के साथ नजर आएंगे। हिंदी सिनेमा में एक लंबा सफर तय कर चुके अक्षय अपनी कामयाबी के बारे में मानते हैं कि कामयाबी का 70% हिस्सा लक का होता है और बाकी 30% आपकी कड़ी मेहनत का होता है। एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने अपनी कामयाबी और नाकामी दोनों पहलुओं के बारे में बात कही है। अक्षय ने इंटरव्यू में कहा कि उनकी 11 फिल्में सुपरहिट रही हैं, तो वहीं 14 फिल्में उनकी फ्लॉप रही हैं। अक्षय ने कहा कि मैंने हिट और फ्लॉप दोनों ही तरह की फिल्मों के लिए बराबर मेहनत की थी। अक्षय ने कहा कि वो देखते हैं कि उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट, टैलेंटेड और फाइट एक्सपर्ट लोग हैं जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ सही चीजें सही मौके पे होनी चाहिए। अक्षय कुमार ने इसी इंटरव्यू में वो किस्सा भी बताया जब वो अपनी तकरीबन 150 फिल्में करने के बाद नेशनल अवार्ड लेने गए थे और उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया, जब पहली बार नेशनल अवार्ड मिला था तो मेरे साथ एक लड़की आई और वो बैठी हुई थी। उसने कहा वो मेरी बहुत बड़ी फैन है, वो एक मलयालम एक्ट्रेस थी। उसने मेरे नेशनल अवार्ड की तारीफ की और फिर उसने मुझसे कहा कि आपने कितनी फिल्में की है। मैंने कहा 150 और फिर मैंने उससे पूछा कि उसने कितनी फिल्में कर चुकी है, तो उसने कहा एक। उसे उसकी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल गया था। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं।